तो दोस्तों, मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है TVS Raider वर्सेस बजाज पल्सर 125 की मैं बात करता हूं। तो देखते हैं दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल हम लोगों को परचेस करनी चाहिए। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप 30,000 ऐड कर देना, बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस, RTO, ये सब मिला मुलों के, आप 30,000 दोनों में ऐड कर देना। ये हम लोग मैक्सिमम प्राइस लेके चलते हैं एक्स शोरूम के हिसाब से। तो चलो रेडर की अगर मैं बात करूँ तो रेडर जो आपका एक्सशोरूम प्राइस पड़ेगी वो पड़ेगी आपको 1,03,000 रुपीज़ के एक्सशोरूम प्राइस की पड़ेगी। वहीं पे मैं अगर बजाज पल्सर 125 की बात करूँ तो इस ये जो पड़ेगी आपको एक्सशोरूम प्राइस, और दोनों की वेरिएंट्स के हम टॉप मॉडल्स की हम बात करते हैं, 94,138 रुपीज़ की एक्सशोरूम प्राइस की पड़ जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो 10,000 जो है एक्सपेंसिव जो है वो आपकी रेडर पड़ने वाली है। तो रेडर के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल, ऐसा ही आपको इसके इंजन मिल जाएगा। पल्सर के अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वॉल का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा, BS6 कंप्लाइंट 2 का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा, DTSI टेक्नोलॉजी के साथ आपको इंजन मिल जाएगा। यहीं पर मैं रेडर की बात करूँ तो रेडर के अंदर आपको 3 वॉल का इंजन मिलेगा और पल्सर के अंदर आपको 2 वॉल का इंजन मिलने वाला है। मैक्सिमम पावर की अगर मैं बात करूँ तो रेडर के अंदर आपको 11.38 PS एट 7,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 11.2 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,000 RPM पर। पल्सर के अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर मिलेगी वो मिलेगी 11.8 PS एट द रेट 8,500 RPM पर, जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 10.8 न्यूटन मीटर एट द रेट 6,500 RPM पर। पावर की अगर मैं बात करूँ तो पावर आपको पल्सर में ज़्यादा मिलने वाली है, और वहीं पर मैं टॉर्क की बात करूँ तो रेडर के अंदर आपको टॉर्क जो है वो आपको ज़्यादा मिलने वाला है। दोनों मोटरसाइकिलें BS6 कंप्लाइंट 2 के इंजन के साथ मिलेगी। बोर्ड जो मिलेगा 53mm का बोर्ड आपको रेडर में मिलेगा, और पल्सर के अंदर आपको 56mm का बोर मिलेगा। तो बोर के मामले में अपनी पल्सर जो है वो विन करती है। स्ट्रोक की बात करें तो 55.5mm का आपको स्ट्रोक मिलेगा रेडर के अंदर, और वहीं पे पल्सर के अंदर आपको 50.5mm का स्ट्रोक आपको पल्सर में मिलेगा। तो यहाँ पे अपनी रेडर जो है वो विन करती है। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है, ओरिंग चैनडक दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगी। 3 वॉल का इंजन आपको रेडर में मिलेगा और 2 वॉल का इंजन आपको पल्सर में मिले जाएगा। तो यहाँ पे जो है अपना रेडर विन करती है। यही पे अगर मैं बात करूँ तो ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है वो मिलने वाला है फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा। और दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको एक वेरिएंट और मिलता है जिसके अंदर फ्रंट में ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि कुछ अमाउंट ज़्यादा देके आप लोग डिस्क वाला ही वेरिएंट लो ड्रम के मुकाबले, क्योंकि सेफ्टी के मामले में डिस्क काफ़ी बढ़िया रहती है। तो सिमकार्ड ब्रेकिंग सिस्टम आपको TVS में मिल जाते हैं, वहीं पे पल्सर के अंदर आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, यानी दोनों की ब्रेकिंग सिस्टम सेम ही है। रियल का डिस्क ब्रेक दबाओगे और रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट भी ऑटोमेटिकली वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे मैं जो ब्रेकिंग पावर जो बेस्ट बताऊंगा वो मैं बताऊंगा आपकी रेडर की, क्योंकि रेडर के अंदर आपको पैडल डिस्क ब्रेक आपको इस मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो रेडर के अंदर आपको जो माइलेज मिलेगी आराम से, अगर आप इको मोड पे चलाते हो और आराम से चलाने वाले बंदे हो तो आराम से ये आपको मोटरसाइकिल जो है 65 से 65 का माइलेज निकाल के दे देगी। और वहीं पे मैं पल्सर की बात करूँ तो पल्सर भी आपको 65 का माइलेज निकाल के दे देगी। तो यहाँ पे दोनों ही मोटरसाइकिलें आपको सेम ही माइलेज निकाल के देगी, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला है। और बाकी फ़र्क आएगा तो आगे बताएंगे कि फ़र्क आएगा तो क्यों आएगा और किस वजह से फ़र्क आने वाला है। फ्रंट टायर की अगर मैं बात करूँ तो 80x100 का फ्रंट टायर मिलेगा दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 100x90 का रियल टायर मिल जाएगा 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स के साथ। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर फ्रंट और रियल टायर दोनों ही सेम आपको मिलने वाले, दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे, अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। वहीं पे अगर मैं इसकी व्हील बेस की बात करूँ, रेडर के अंदर आपको 1,326 mm का व्हील बेस मिलेगा, और यहीं पे पल्सर के अंदर जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1,320 mm का व्हील बेस आपको पल्सर में मिल जाएगा। तो व्हील बेस के मुकाबले में देखा जाए तो रेडर अपनी विन करती है। यहीं पे अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 2,070 mm की लेंथ आपको रेडर में मिलेगी और 2,042 mm की लेंथ जो है वो आपको पल्सर में मिल जाएगी। तो लेंथ के मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पे अपनी रेडर जो है वो विन करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको रेडर में मिलेगा और 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको पल्सर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी अपनी जो है रेडर विन करती है, क्योंकि ऑफ रोडिंग वगैरह अगर आप करोगे तो टेंशन फ्री होकर आप रेडर से कर सकते हो, क्योंकि इसमें फ़ायदा क्या है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस का काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, तो 15mm का फर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो नीचे वगैरह से जो बैली पैन वगैरह होते हैं वो टच नहीं होते दोनों मोटरसाइकिल में, तो यहाँ पे क्या थोड़ा सा आपको रेडर जो है ये विन होते हुए मिलेगी। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1,028mm की हाइट आपको रेडर में मिलेगी और पल्सर के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी 1,060mm की हाइट आपको जो है वो पल्सर में मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो हाइट ज़्यादा है वो आपको पल्सर में ज़्यादा मिलने वाली है। विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो 785mm की जो विड्थ है वो आपको रेडर में मिल जाएगी और 765mm की विड्थ जो है वो पल्सर में मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो विन करती है विड्थ के बारे में वो आपकी रेडर विन करती है। पेट्रोल टंकी की बात करूँ तो 2 लीटर में माइनस कर दो बिकॉज ऑफ FI,
तो इसके अंदर आपको कार्बोरेटर मिल जाएगा पल्सर के अंदर, और इसके अंदर आपको FI मिलेगा। तो 10 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको रेडर के अंदर मिल जाएगा, और पल्सर के अंदर आपको 11.5 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। तो माइनस अगर 2 कर देते हैं तो 9 लीटर का आपको पल्सर में मिलेगा और 8 लीटर का आपको रेडर में मिलेगा। तो यहाँ पे जो अपनी विन करती है वो पल्सर विन करती है। कर्व वेट की मैं बात करूँ तो 123 केजी का कर्व वेट आपको रेडर में मिलेगा और 142 केजी का कर्व वेट आपको पल्सर में मिलेगा। तो यानी अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो जो आपकी रेडर है ये आपको ज़्यादा माइलेज देगी, क्योंकि माइलेज ज़्यादा इसलिए देगी क्योंकि कुल मिला के अगर देखा जाए तो अराउंड आपका 20 केजी का फ़र्क है। तो 20 केजी के फ़र्क में तो भाई मोटरसाइकिल हल्की होगी तो माइलेज तो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 68 तक का माइलेज जो है वो आपको रेडर निकाल कर देगी। बाकी डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल के ऊपर आप किस तरीके से राइड करते हो। टेल लाइट दोनों मोटरसाइकिल के अंदर LED मिल जाएगी, और फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करते हो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको 240mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा। जो रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा वो आपको 130mm का रियल ड्रम ब्रेक आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में आप लोगों को पता है भैया कौन विन होने वाली है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रिकल जो है वो बढ़िया लगता है। तो सबसे पहले बात करी जाए तो इसके अंदर आपको जो मिलेगा TV स्मार्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, रेडर के अंदर वॉइस असिस्टेंट मिल जाएगा, ETF मिल जाएगा, ETF टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, इंटेल ग्रो आपको मिल जाएगा इसके अंदर। वहाँ पे वेदर अपडेट बता देगी, स्पोर्ट्स अपडेट आपको इसके अंदर मिलेगा, स्पोर्ट्स मोड पे चलानी है आपको अर्बन मोड पे चलानी, इसके अंदर एक स्पोर्ट्स मोड मिलेगा और एक आपको इको मोड मिलेगा। लेकिन पल्सर में ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला। पल्सर के अंदर जो मीटर कंसोल है ना वो ओल्ड वाला मीटर कंसोल है, जो कि एनालॉग आपने देखा एनालॉग प्लस डिजिटल मीटर कंसोल है, जिसके अंदर आपको 1-2 बता देगा, ठीक है, लो फ्यूल की वार्निंग दे देगा, लो बैटरी इंडिकेटर आपको ये सब इसके अंदर दे देगा। SMS और कॉल्स की अगर बात करूँ तो रेडर हमें दे देगी, USB चार्ज भी हमें रेडर मिल जाएगा, म्यूजिक कंट्रोल भी हमें रेडर के अंदर मिल जाएगा, और पायलट लाइट जो है वो आपको ये पल्सर में मिल जाएगी। टेल लाइट आपको LED दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। इंडिकेटर जो है वो हेलोजन बल्ब वाले दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। रेडर की अगर मैं बात करूँ तो रेडर जो है एक स्पोर्ट्स बाइक है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स की तरह इसको बाइक को बनाया गया कंपनी ने। लेकिन पल्सर अगर मैं बात करूँ तो आपको स्पोर्ट्स और थोड़ा सा कम्यूटर एक कंफर्टेबल आपको हो कि आप एक मोटरसाइकिल को अगर चाहिए ना तो यहाँ पे आपकी जो पल्सर है वो विन कर जाती है। रेडर के अंदर आपको सेल्फ ही मिलता है और पल्सर के अंदर आपको किक और सेल्फ दोनों ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको दो स्प्लिट सीट मिल जाएंगी। 5 इंच का TFT डिस्प्ले जो है वो आपको रेडर में मिलेगा, डिजिटल मीटर कंसोल दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, लो फ्यूल वार्निंग आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी, क्लॉक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी, अंडर सीट स्टोरेज ये आपको रेडर में मिल जाएगा, यानी अगर आप गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखना चाहते हो तो वो आप रेडर में रख सकते हो। वैसे पल्सर में भी रख सकते हो, ऐसे रबड़ के बने होते हैं, लेकिन इसमें क्या एक अच्छी खासी स्टोरेज की दे रखी है। एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन जो है वो आपको रेडर में मिलेगा और एयर कूल्ड इंजन आपको पल्सर में मिल जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो हम लोगों को लेनी चाहिए, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक पल्सर लवर और पल्सर लवर आप लोग हो कि भाई आपको स्टार्टिंग से पल्सर, आपको मैं अगर सही बताऊँ कि पल्सर जो है वो 2008 से मार्केट के अंदर आनी शुरू हुई है। वैसे ये सबसे पहले आ रही है, अगर देखा जाए तो 2002 से आ रही है मार्केट में, पहले गोल हेडलाइट वाली आई, फिर एयर वाइजर लगाया, फिर मतलब ऐसे करके आ तो बहुत पहले से रही है। लेकिन अगर आप एक ऐसी सोचते हो कि यार बचपन में आप लोगों ने सोचा कि यार मैं बड़े होकर पल्सर लूँगा, तो वहाँ पे ना आप लोगों को पल्सर 125 की तरफ चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा, पल्सर वाला वही सेम लुक मिलेगा जो पहले से लुक बना हुआ आ रहा है, और वो लुक भाई एवरग्रीन लुक है। स्टार्टिंग से लेकर अभी तक लोगों को वो लुक बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसी की वजह से पल्सर जो है भाई अपने लुक को चेंज नहीं करता। तो यहाँ पे अगर आपको एक लुक के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, माइलेज के लिए मोटरसाइकिल चाहिए, और आपको चाहिए पल्सर की बैजिंग की, हाँ भाई कल को मैं भी 10 लोगों में बोलूँ पल्सर चलाता हूँ मैं, तो उसका नाम ही अलग है, भारी भरकम नाम है पल्सर, ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग पल्सर को परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वहीं पे चाहिए इलेक्ट्रिकल फीचर्स आप लोग को ज़्यादा चाहिए, मोड्स वगैरह चाहिए, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह चाहिए, तो वहाँ पे जो आपको विन करेगी ना भाई वो आपको TVS की रेडर के अंदर आपको ज़्यादा वो मिल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिकल आइटम जो है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। ओवरऑल अगर लुक की बात करो तो लुक दोनों ही आप लोग देख लेना किसका अच्छा लगता है। एक का जो लुक है वो भाई एक का लुक आउल की तरह लगता है, एक का लुक नॉर्मल लगता है, तो यहाँ पे आप लोग देखना लुक्स वगैरह के मामले में आपको कौन सी बाइक का जो लुक है वो आपको अच्छा लगता है। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाता कि मैं इन दोनों मोटरसाइकिल के अंदर से कौन सी मोटरसाइकिल मैं परचेस करूँगा, तो देखो दोस्तों मैं हूँ एक इंजन लवर, ठीक है, तो इंजन लवर के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो भाई मुझे मिल रहा है रेडर के अंदर 3-valve का इंजन, ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 3-valve का इंजन मिल रहा है, लेकिन पल्सर क्या दे रही है हमें 2-valve का इंजन दे रही है। तो यहाँ पे मैं क्या हूँ, यहाँ पे मैं ना भाई रेडर की तरफ जाऊँगा, क्योंकि 3-valve का इंजन है, हमें टॉप स्पीड भी अच्छी मिलेगी, ठीक है, टॉप स्पीड वगैरह भी हमें अच्छी मिलेगी, और बाकी इंजन के अंदर रिफाइनमेंट भी हमें काफ़ी अच्छा मिलेगा क्योंकि 3-valve का इंजन है। तो यहाँ पे जो है ना भाई, यहाँ पे मैं जो विन करता हूँ वो मैं TVS रेडर को, अगर पर्सनली मेरे से पूछा जाएगा तो मैं भाई TVS रेडर को परचेस करूँगा।
तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल हम लोगों को लेनी चाहिए, कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। तो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। और आपका देखो मैं सीधा बताऊँ, आप लोगों का थोड़ा सा बजट में दिक्कत है या थोड़ा सा आपको लग रहा है कि यार मेरे को खाली बस एक मोटरसाइकिल चाहिए जो लुक्स के लिए काफ़ी अच्छी हो और मुझे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या पल्सर की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर आप लोग को चाहिए कि भाई मैं एक ऐसी बाइक लेना चाहता हूँ कि मैं एक टाइम के लिए बाइक लेना चाहूँ, मैं आगे तक की लेने जाऊँ, जैसे मेरी खुद की आदत है, मैंने अपाची फॉर एग्जांपल मैंने अपाची लिया था, नहीं अपाची है मेरे पास, अपाची लिया, तो मैं सोचूंगा भाई इस बाइक को मैं 15 साल तक खींचूंगा, 15 साल तक चलाऊंगा, तो इन फ्यूचर तक के लिए मतलब 9-10 साल तक के लिए ना इसके अंदर मेरे लिए हाँ भाई सफिशिएंट है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह सब कुछ है, बाकी आगे के अपडेट वगैरह हो जाएंगे तो वो वहाँ पे वो चीज़ हमारी खड़ी उतर जाती है। लेकिन अगर आप पल्सर के लिए चाहिए कि भाई आपको स्टार्टिंग से पल्सर का लुक बहुत अच्छा लगता है, भाई पल्सर मेरे को पसंद है, देखने में मेरे को अपने बचपन की याद है कि पल्सर मेरा ड्रीम था कि मैं पल्सर लूँगा, तो वहाँ पे आप पल्सर को ले सकते हो। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने में दोनों चार आर के ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बैक दोनों चार को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।